आप सभी का वेलकम है फ्लावरिंग गार्डन में। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो है आज आप देखने वाले हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इन एडेनियम बट नेचुरल तरीके से। एडेनियम में हम जो है पॉलिनेशन करवाने वाले हैं, लेकिन वो सभी जो है नेचुरल तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये जो मेरा प्लांट है, ये मतलब ये सीडलिंग है। एक्चुअली बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, कम से 8-9 महीने की सीडलिंग है, लेकिन जो है इस पर फ्लावर भी आए थे और फ्लावर के साथ इसमें पॉलिनेशन अच्छी होने की वजह से जो है दोस्तों इनमें जो है सीड पॉड बन गए हैं। लेकिन कमाल की बात ये है, इतने छोटे सीडलिंग पर जो है इतने बड़े बड़े सीड पॉड बने हुए हैं, और इस पर जो है एक नहीं कम से कम जो है 4 सीड पॉड बने हैं। ये तो पहली बार ही मैं जो है देख रही हूँ, इतना छोटा प्लांट उसके ऊपर जो है इतने बड़े बड़े और एक ही साथ में एक ही ब्रांच के ऊपर एक ही बंच में 4 जो है सीड पॉड आए हुए हैं। ये देख लीजिएगा, ये दो बड़े, ये जो छोटा सा सिर्फ एक ही डेवलप हुआ है इसमें से, ये एक, ये मतलब ये 3 हो गए। और एक आपको दिखाती हूँ पत्तियों के नीचे ऊपर, ये देख लीजिएगा, ये छोटा सा जो दिख रहा है मतलब अच्छे से ये भी डेवलप हो रहा है। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर एक ही बंच में 4 सीड पॉड जो है बने हुए हैं। डेफिनेटली इसमें से जो है बस 2 या 3 जो है अच्छे निकलेंगे, एक जो है थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये देख लीजिएगा, इसमें भी जो है ये भी वही छोटी सी सीडलिंग है, 9 या 10 महीने की होगी। और ये देख लीजिएगा, ये भी साइज़ उतना ही है, लेकिन इस पर भी जो है सीड पॉड बने हुए हैं। तो ये पॉसिबल क्यों हुआ है दोस्तों? तो उसमें जो है हमने आर्टिफिशियल जो है पॉलिनेशन बना दिया था, लेकिन दोस्तों आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी हमने नेचुरल तरीके से ही कर दिया है। तो वो कैसे, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी जो है मेरी कई सारे सीडलिंग है और इस पर भी जो है छोटे छोटे सीड पॉड जो है बने हुए है। इसके ऊपर भी सीड पॉड बना है, इसके ऊपर भी सीड पॉड जो है, ये देख लीजिएगा, ये सीड पॉड बना हुआ है, और ये जो है इसके ऊपर अब जो है, ये देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी जो है सीड पॉड बन रहा है। मतलब मेरे जितनी सीडलिंग थी उसमें जो है मैक्सिमम सीड पॉड बन रहे हैं। तो वो क्यों बन रहे हैं दोस्तों? उसके जो पीछे का कारण है वो ये है। तो ये मतलब जो है आपके गार्डन में हर हमेशा जो है मल्टी वैरायटीज़ के, मल्टी स्पेसीज़ के फ्लावर्स होने चाहिए। जैसे कि ये देख लीजिएगा, मेरे पास जो है बहुत सारे अलाइसम के प्लांट है, और अलाइसम के प्लांट के ऊपर जो है दोस्तों हर हमेशा से ही हनी बीज हो या बटरफ्लाइज़ हो या फिर जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट होते हैं वो ढेर सारे जो है इसके ऊपर आ जाते हैं। और इसी के आजू बाजू जो है मैंने अपने एडेनियम रख दिए हैं, उनके फ्लावर्स उसके फ्लावर्स के पास इसके फ्लावर रख दिए हैं, उसी लिए जो है दोनों में भी पॉलिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। जिन फ्लावर्स में पॉलिनेटर्स आते हैं उन फ्लावर के पास ही जो है आप अपने एडेनियम रख दीजिएगा, ताकि जो है वो पॉलिनेशन अच्छे से कर सके। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी जो है मैंने और एक एडेनियम रख दिया, मतलब अलाइसम रख दिया है, और अलाइसम के आजू बाजू जो है पूरी गोल राउंड में जो है मैंने अपने छोटे छोटे एडेनियम की सीडलिंग रख दी है, ताकि जब भी पॉलिनेटर्स इसके ऊपर आए तुरंत ही एडेनियम के फ्लावर्स पर भी जो है विजिट करें, और विजिट करने के बाद जो है दोस्तों पॉलिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और ये देख लीजिएगा मेरा और एक सेक्शन, ये तीसरा सेक्शन है, जहाँ पर भी जो है मैंने हर एक एडेनियम के सेक्शन में इस तरीके से जो अलाइसम का पॉट है वो रख दिया है। और ये देख लीजिएगा, यहाँ पर भी जो है मेरे सारे ही एडेनियम बने हुए हैं, और उनके बस बगल में ही, बस बहुत ही क्लोज जो है मैंने अलाइसम के प्लांट्स रख दिए हैं। तो ये देख लीजिएगा, ये भी एक मेरा बहुत ही बड़ा सा एडेनियम का प्लांट है, और इसमें भी जो है सीड पॉड बने हुए हैं। तो इसमें जो है सीड पॉड जो है क्यों बने हैं? तो दोस्तों इन सभी के पास मैंने जो है अलाइसम रख दिया था। ये देख लीजिएगा, ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर खिला है, और ये जो है ये भी वही ओबेसम की ही वैरायटी है।
और यहाँ पे भाई जो है मैंने अलाइसम फिर से जो है रख दिया है। 6-7 पॉट है अलाइसम के, वो सभी जो है मैंने अपने, और गजानिया अलाइसम के साथ साथ गजानिया भी जो है मैंने इन प्लांट के पास रख दिया है। मतलब ये तो पॉलिनेशन आर्टिफिशियल ही है, बट नेचुरल तरीके से ये हो रहे हैं, मतलब अपने आप ही हो रहा है। हमें करना क्या है, सिर्फ जिनके ऊपर पॉलिनेटर आते हैं उन सभी फ्लावर पॉट को जो है अपने अडेनियम के पॉट के नज़दीक रखना है, ताकि जब भी पॉलिनेटर इन पर विज़िट करे तभी जो है अपने अडेनियम पर भी विज़िट करे। उसी के साथ दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि येलो कलर के फ्लावर जो है पॉलिनेटर्स को बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये कोरियोप्सिस का प्लांट है मेरा, और कोरियोप्सिस का प्लांट ठीक उसके अडेनियम के नीचे ही जो है मैंने रख दिया है, उसीलिए भी जो है पॉलिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। और कई सारे सीड पॉड नियरली अब तो मेरे पास जो है 10 सीड पॉड रेडी हो रहे हैं। येलो कलर में जो है आता है कोरियोप्सिस, और ये देख लीजिएगा बहुत ही ब्यूटीफुल सा वेनेडियम, वेनेडियम की एक अलग वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत है। कैलेंडुला भी लगा दीजिएगा येलो कलर के, और ये जो है ये डायमॉर्फोथिका येलो है। येलो कलर के जितने भी फ्लावर्स होते हैं आपके पास वो सभी जो है इनके आसपास रख दीजिएगा, ताकि जो है आपके अडेनियम के पॉट में सीडलिंग जो है सीडलिंग के ऊपर जो है सीड पॉड बना रहे। तो ये देख लीजिएगा मेरे पास कई सारे वेनेडियम के फ्लावर्स है, और वेनेडियम, गजानिया, कोरियोप्सिस, अलाइसम इन सभी के ऊपर जो है पॉलिनेटर्स आ जाते हैं, और पॉलिनेटर्स की वजह से दोस्तों ढेर सारे आप सीड पॉड जो है वो भी रोजी वैरायटी के भी और ग्राफ्टेड वैरायटी के सिंगल पेटल भी अगर हो तो उनमें भी जो है पॉलिनेशन अच्छा होता है, और जो है हाइब्रिड वैरायटीज़ के आपको जो है सीड पॉड मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से वेनेडियम लगाइएगा और अपने अडेनियम के पास रख दीजिएगा। ये देख लीजिएगा मेरे कुछ और कैलेंडुला के फ्लावर्स भी जो है मैंने इनके आसपास भी जो है रख दिया है, उसी लिए भी जो है इनमें पॉलिनेशन अच्छा होता है। ये मेरे कुछ अलाइसम हैं, इनके आसपास मैंने अलाइसम भी रख दिया है। एक्चुअली इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है, खुशबू की वजह से पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट करते हैं, और पॉलिनेटर जब भी आएंगे तो समझ लीजिएगा सीड्स भी बनेंगे, सीड पॉड भी बनेंगे। और उसमें एक दूसरी मेथड है दोस्तों, ये जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि इनकी सभी की फेसिंग जो है ऊपर की ओर रहती है, फ्लावर जो है 2-3 दिन का खिलने के बाद आप इसमें सिर्फ जो है इसके फ्लावर्स को टैप टैप कीजिएगा, मतलब इसे अच्छे से हिला दीजिएगा फ्लावर्स को, ताकि जो है उसमें पॉलिनेशन अच्छे से बन जाए। इनमें से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जो है अच्छी तरीके से फर्टिलाइज होके सीड पॉड बनते हैं, और इसी कारणवश जो है इसमें भी जो है सीड पॉड बने हुए हैं। जब भी मैं आती हूँ तो फ्लावर को जो है अपनी दोनों उंगलियों से जो है इन्हें थोड़ा सा टैप टैप करती हूँ, मतलब हिलाती हूँ, उसके ऊपर टीच करती हूँ, और टीच करने के बाद जो है पॉलिनेशन इसमें अच्छा हो जाता है, और सभी जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें मैक्सिमम जो है सीड पॉड बने रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, आप भी जो है अपने अडेनियम पर इस तरीके से करके जो है सीड पॉड ले सकते हैं, रोजी वैरायटी हो या फिर वो देसी वैरायटी हो या फिर जो है हाइब्रिड वैरायटी हो, आप इस तरीके से पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर